हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें हमारे दो अलग अलग रिएक्टेंट्स मिलके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एक ये और एक ये दो रिएक्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, दो सिंगल, ये दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो जब दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम कहा जाता है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जिसे स्लेग लाइम कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो एक और एग्जांपल इसमें बर्निंग ऑफ कोल का, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, इसमें भी देखिए दो, एक ये है, एक कार्बन है, एक O2 है। ठीक है, दो रिएक्टेंट से मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल किस चीज़ का है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक, नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल है H2+O2। H2 और O2 दोनों आपस में रिएक्ट करें और क्या बनाए हमारा, वाटर। H2 एक रिएक्टेंट हो गया, O2 एक रिएक्टेंट हो गया, दो रिएक्टेंट हो गया, इन्हें मिला के हमें क्या मिल गया, एक प्रोडक्ट जो है हमारा वाटर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन फिर यहाँ पे देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। तो जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज हो, क्या हो, हीट रिलीज हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है हमारा ये, CH4 मीथेन रिएक्ट्स विथ O2 एंड गिव्स CO2+H2O। ठीक है, CO2+H2O, तो इस केस में क्या हो रही है, हमारी हीट रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, तो ये हमारा एग्जाम्पल किस चीज़ का है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो दूसरा हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एक रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है, स्प्लिट होके हमें दो, एक या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होके एक या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट दे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक और एक होता है हमारा फोटोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा होता है हमारा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जो हीट के हेल्प से हो। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे कहते हैं जो लाइट की हेल्प से हो। और फोटोलिसिस से कहते हैं जिसमें सनलाइट के, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे कौन सी लाइट, क्या चाहिए हमें, सनलाइट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीट थर्मल डिकम्पोजिशन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, हम हीट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल में हमारा एक और आता है, जैसे कि ये, इसमें क्या है, PbNO32 लेड नाइट्रेट, इसे हीट करेंगे हमें क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड ऑक्सीजन। तो ये भी हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हम एक दे सकते हैं, जैसे कि हमने थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल दिया है वैसे इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है।
कि जब वाटर वाटर से अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमारा क्या है, H2 प्लस O2 बनेगा। ठीक है, जब इसे इलेक्ट्रिसिटी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें H2 गैस प्लस O2 गैस मिलेगा। तो ये हमारा एग्जांपल किस चीज़ का है, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन का। ठीक है, दूसरा आता है हमारा फोटोलिसिस, तो इसका भी एग्जांपल है, फोटोलिसिस का एग्जांपल है AgCl। ठीक है, जब AgCl इसके थ्रू सनलाइट पास करेगी तो हमारा Ag+Cl बनेगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, AgBr, AgBr सनलाइट पास हुआ, हमारा क्या बन रहा है, Ag+Br2। तो ये भी जो है हमारा एग्जाम्पल है किसका है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आयरन ने कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ खुद आ गया। तो इस केस में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव और कॉपर क्या हमारा लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव था, इसने क्या किया, आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, कॉपर हमारा अकेला हो गया। इसकी मीनिंग हमारा जो एक एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो गया। तो जिसमें एलिमेंट्स डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं, हमारा कॉपर डिस्प्लेस हो गया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और रिमूव कर दिया, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे देखें जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा है, यानी जिंक भी क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिमूव कर दिया। इस केस में लेड ये कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या बना हमारा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर रिमूव, यानी इस केस में भी हमारा क्या है, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने लेड ने क्या किया, कॉपर को रिमूव कर दिया। ठीक है, और हमारा लेड क्लोराइड बन गया। तो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, और कम रिएक्टिव एलिमेंट जिसके साथ होता है उसके साथ ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट कर जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी सिर्फ एलिमेंट डिस्प्लेस होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इस केस में जो हमारे आयन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे इसमें सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेंगे, तो ये सोडियम क्या है, सल्फेट के साथ था, अब ये किसके साथ आ जाएगा, क्लोराइड के साथ, और बेरियम किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या है, एलिमेंट्स और आयन्स आपस में एक्सचेंज हो गए, बेरियम सल्फेट के साथ आ गया, सोडियम क्लोराइड के साथ आ गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो देखिए सिंपल सा है, बहुत ईजी है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लूज हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसे गेन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं या फिर लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, और यहाँ पे लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन या गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों क्या होगा हमारा, रिडक्शन। अगर हमारा ऑक्सीजन लूज हो रहा है या फिर हाइड्रोजन गेन कर रहे हैं, हाइड्रोजन मिल रहा है, तो भी क्या है वो, रिडक्शन रिएक्शन है। और इस केस में हमारा ऑक्सीजन क्या है, गेन कर रहे हैं या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखते हैं। इसमें कॉपर जो है O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है हमारा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन है। ठीक, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इस केस में क्या है, CuO+H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O, यानी हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया और कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, यानी कॉपर के केस में क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन H2O इस केस में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए यहाँ पे H2 इसका ऑक्सीडेशन हो गया बिकॉज इसने ऑक्सीजन ले लिया है, और यहाँ पे कॉपर के साथ क्या है, रिडक्शन हो गया बिकॉज इसने कॉपर ऑक्सीजन को लूज कर दिया। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है।
ठीक है। और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्ट करेगा, तो जिंक क्या है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और सी ओ कार्बन जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। इसमें भी एम एन ओ टू, यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन जब ये रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को इसने लूज कर दिया है, तो इस केस में क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हो गया। और एच सी एल एंड हाइड्रोजन ने, यहाँ पे हाइड्रोजन ने गेन कर लिया, तो इसने क्या कर लिया, इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या है। देखिए, जनरली आपने देखा होगा कि जब आयरन को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं मॉइस्चर में, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो स्टार्टिंग में तो बहुत शाइनी होता है, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस पर रेडिश पाउडर आ जाता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर उस पर आ जाता है, ये रेडिश ब्राउन दिखने लग जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले भी पढ़ा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, तो रस्टिंग की वजह से क्या है, हमारा जो आयरन है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो जब मेटल पे कोई सब्सटेंस क्या है, उसके सब्सटेंस अटैक करता है उस पर, चाहे वो मॉइस्चर हो, एसिड हो, कुछ भी हो, उससे अगर उसका मतलब वो उसमें रस्टिंग होती है। ठीक है, अगर रस्टिंग हो जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन, यानी कोरोड होना। कोरोड होना ही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। कोरोड होने का हम कोरोजन कहते हैं। जैसे कि सिल्वर, सिल्वर पे कभी कभी ब्लैक कोटिंग आ जाती है, ठीक है, और कॉपर पे कभी ग्रीन कोटिंग आ जाती है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, कोरोजन के। तो कोरोजन की वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, रेंसिडिटी। देखिए, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में अभी तो इतना ही है, आगे के चैप्टर्स में आपको इससे ज़्यादा मतलब और भी नॉलेज दी जाएगी। फिलहाल के लिए इसमें आपको सिर्फ क्या है, ओवरव्यू उसका जानना है। तो रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी उसे कहते हैं जैसे हमारी कोई फैट की चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, वो अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो कैसी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, स्मेल भी ख़राब हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये रेंसिड हो गया है। ठीक, तो जैसे सब्सटेंसेस जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, जो हमारी फैट की चीज़ें हैं, सब उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए या रेंसिड होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे जो चिप्स, हम चिप्स खाते हैं, उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस होता है, जिसकी वजह से हमारे जो चिप्स है वो ख़राब नहीं होते, उनका स्मेल और टेस्ट ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।